मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान सबक डायरेक्टर काराबाग डायरेक्टोरेट एक आबी माह की हैसियत से मक्स स्पेशल प्रोग्राम में आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नाजरीन इससे कबल मैंने मुख्तलिफ लेक्चर्स में पाकिस्तान के जो आबी मसाइल हैं जो आबी जिस आबी बहरान से हम गुज़र रहे हैं उसमें मुख्तल पहलुओं से मैंने गुफ्तु की है आपको मालूम पहुँचाई हैं इसी पानी के बहरान के हवाले से आज मैं एक और अगरचे पिछले प्रोग्रामों में इसका इशारा ज़िक्र होता रहा है लेकिन आज मैं मैंने इस पर फोकस किया है कि ये जो पानी के जिस बहरहान से हम दो चार हैं इसके क्या ख़तरा हैं हमारी कौमी ज़िंदगी के मुख्तलफ़ शबों में इस पानी के बहरहान के क्या क्या असर मतब हो रहे हैं और ये कि वो जो असरात हैं ये वो ख़तरात जो हैं वो कितने संगीन हैं तो आज का हमारा ये जो टाक है ये जो बात है इसमें इस, इस पहलू से मैं आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करूँगा तो हमारी मेरी इस टाक के भी दो हिस्से हैं पहले हिस्से में मैं पानी के बुरहान की जो शिद्दत है उससे आपको आगाह करूंगा और फिर इसकी वजह से हमारी कौम ज़िंदगी के दो शोबों में ज़रात और हमारी जो सनत है इंडस्ट्री जो है उस पर इस बहान के क्या ख़तरात हैं क्या असरात हैं और कितने शदीद हैं और फिर जो दूसरा प्रोग्राम होगा पार्ट टू में मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि इस बुरान की वजह से हमारी कौमी सीत पर और इससे भी ज़्यादा जो अहम मसला है वो ये है कि हमारी कौमी सालमियत पर और हमारी कौमी मुख्तारी पर और ख़ास तौर पर जनूबी एशिया में जो अमन वमान की सूरत हाल है उस पर इसके कितने संगीन जो है असरात या ख़तरा जो है उतरतव उत्रत, हो सकते हैं तो इन पहलुओं से गुफ्तु होगी नाजरीन मैंने इससे पहले एक दो प्रोग्रामों में पानी के बुरहान की जो शिद्दत है उसका जिक्र किया है लेकिन इसके असरा पर गुफगू करने से पहले मैं मुखस फिर मैं वो दोहराना चाहता हूँ कि ये जो पानी का जो बुरहान है ये कितना शदीद है वो उसके लिए एक तो आलमी पैमाना है और उस आलमी पैमाने की रूह से मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जो फ्रेश वाटर है जो आलमी पैमाना है किसी कौम के आबी का, वो ये है कि जिस कौम के पास पर कैपिटा फीकस एक हज़ार सात सौ मुकाब मीटर पानी फ्रेश वाटर जिसे दस्याब है या इससे ज़्यादा तो उस वो कॉम आबी तहफ़ का दावा कर सकती है लेकिन जैसे जैसे इससे पानी कम होता जाएगा उसी हिसाब से उस कौम को पानी की कमी की शिद्दत जो है वो बढ़ती जाएगी और जब ये मकदार ये वॉल्यूम एक हज़ार क्यूबिक मीटर से नीचे होगा तो उसको आलमी पैमाने के हवाले से उसे कहा गया है कि ये पानी का कहत वाटर स्टॉर्वेशन जो है उसकी जो है हम हदूद में दाखिल हो चुके हैं और इस हवाले से जो हमारी पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त हमें नौ नौ सौ पचास क्यूबिक मीटर फीकस पानी हमें दस्याब है तो आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हवाले से पानी का जो बुरहान है पानी की शिद्दत उसकी संगीनी क्या है ये तो आलमी पैमाना है लेकिन अमली तौर पर हमें हमारी फ़सल खरीफ और हमारी फ़सल रबी के लिए जो पिछले गुजा दस सालों का जो रिकॉर्ड है जितना पानी हमारे दरियाओं में आया है जितना हमने इस्तेमाल किया है उस हवाले से मैं आपको आपकी अर्ज़ करता करना चाहता हूँ कि पिछले दस सालों में तकरीबन खुश्क साली रही है बारिशें कम हुई हैं दरियाओं में पानी कम आया है और सूरत हाल ये रही है कि खरीफ की फसल जबकि दरियाओं में गर्मी होती है खरीफ की फसल आप जानते हैं कि मई से शुरू होती है और सितंबर तक रहती है और ये वो महीने हैं कि जब दरियाओं में मानसून की वजह से और ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से दरियाओं में पानी आता है और दरियाओं से फिर हमारी नहरों में पानी हमारी फसलों को पानी मिलता है फ़सल खरीफ में भी हमें पानी पिछले दस सालों में पानी की कमी का सामना रहा है 18 से 20 फीसद जो हमारा हमारे मुल्क का जो तकरीबन चार करोड़ एकड़ रकबा जो हमारा जैरिक काश्त है उसके लिए खरीफ की फसल जब दरिया में पानी होता है तब भी अट्ठारह से बीस फीसद पानी की कमी का हमें सामना रहा है और इस कमी को पूरा करने के लिए हमें ट्यूबल्स हमारे जिम्मेदार को हमारे किसान को ट्यूबल चलाने पड़े हैं और चलाने पड़ते हैं जबकि रबी की फसल जो कि आप जानते हैं कि अक्टूबर से शुरू होकर और अप्रैल तक रहती है और ये वो पीरियड है साल का कि जब हमारे दरियाओं में पानी नहीं होता बारिश नहीं होती और तकरीबन दरिया खुश्क होती है रबी की फ़सल के दौरान जो हमारे गुज्त दस सालों का जो डेटा है उसके मुताबिक हमें 40 से 50 फीसद पानी की कमी का सामना रहा है और इस कमी को पूरा करने के लिए हमें हमारे जमींदारों को किसान को ट्यूबवेल चलाने पड़े हैं और पड़ते हैं और बहुत महंगा पानी जो दरिया के पानी से 15 से 20 गुना ज़्यादा महंगा होता है वो पानी अपने फसलों को लगाना पड़ता है तो ये है हाल ये है वो संगीनी वो शिद्दत है पानी की कमी की जो जिसका हमें सामना रहते हैं इसके अलावा और भी इसका एक पैरामीटर है एक पहलू है और वो ये है कि वो आप जानते हैं इसे भी आ वाकई है मैं इससे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि कुदरत ने हमें जो ज़ेर ज़मीन पानी का जो जख़ीरा हमें अल्लाह ताला ने दिया था और जो आज से तकरीब तीस चालीस साल पहले ये सूरत हाल थी कि हमारे पंजाब और सिंध के अक्सर इलाकों में तो जेर ज़मीन पानी जो था वो दस से पंद्रह फुट पर पानी मिल जाता था और ज़मीन के ऊपर जो है वो पंप लगा कर पंप पम्प लगा कर हम पानी हासिल कर लेते थे बल्कि बाहरी इलाकों में तो ये सूरत हाल थी कि वहाँ सेम यानी पानी जो है वह सतह ज़मीन से भी ऊपर आ जाता था और हमें सेम और थोर के मसायल का सामना था अगरचि वो भी अपनी जगह के थे लेकिन अब जोत हाल है वो ये है कि जहाँ पंद्रह दस से पंद्रह फुट पर पानी मिल जाता था अब वहाँ पानी जेर जमीन पानी की सतह जो है वो सत्तर से अस्सी फुट तक नीचे गिर चुकी है यानी हमारी जो जेर ज़मीन पानी का जो जखीरा है वो भी डिपीट हो गया है वो उसकी उसकी सतह भी बहुत नीचे तक पहुंच गई है फिर हमारे पानी के बुरहान का एक और पहलू भी है इसके अलावा और वो ये है कि गुजा दस सालों में 2010 के फ्लड के बाद आप जानते हैं कोई फ्लड भी नहीं आया हमारे मुल्क में और हमारे दरिया तकरीबन एवरेज से भी कम उनमें मानसून के दिनों में भी फसल खरीफ के दौरान भी जो पानी है वो हमारी ज़रूरत से कम आता रहा है तो ये मौसमी जो तब्दीलियाँ हैं इनकी वजह से भी हमें पानी की कमी का सामना है तो ये तो वह हाल ये वो मुख्तलिफ पहलू हैं जिनसे हम पानी के बुरहान को हम डिफ़ाइन करते हैं अब इसके जो असरात हैं वो क्या हैं इसका अगरचे मैं अपनी पहली टॉप में भी मुख्तलिफ़ मकाम पर जिक्र किया लेकिन आज मैं खसूस तौर पर इसी पर फोकस कर रहा हूँ कि पानी की इस कमी से हमारी ज़रात सबसे जो शोबा हमारी ज़िंदगी का जो इसे अफ़ेक्ट हो रहा है वो है हमारी ज़रात हमारा किसान हमारी रोटी हमारा कपड़ा हमारा पहनना हमारा रहना सहना ये सबसे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है और आप जानते हैं देखते हैं अभी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ख़रीफ के दिनों में 18 से 20 फ़ीसद पानी की कमी और सर्दियों में रबी की फसल के दौरान तकरीबन चालीस से पचास फीसद पानी की कमी और इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे किसान को इसके दो असरात हैं कि दरियाई पानी की कमी से वो पानी जो कि जरखेज़ होता है जिसमें जरखेज़ी होती है उसके पानी की कमी की वजह से हमारी जमीनों की जरखेज़ी जो है उसके ऊपर बहुत बुरे असरत हो रहे हैं और उसकी वजह से उसका नतीजा ये है कि हमारी चाहे वो गंदम की फसल हो चाहे वो कपास की फसल हो चाहे वो गन्ना हो चाहे वो चावल हो चूँकि दरियाई पानी कम है और किसानों को जो है वो ट्यूबवेल का पानी लगाना पड़ता है इसलिए इसकी वजह से अब यकीन हमारा किसान जो है बहुत कम हमारे ज़िमींदार ऐसे हैं जो कि बड़े ज़िमींदार हैं वो तो एफोर्ड करते हैं कि ट्यूबवेल चला कर चाहे जितना महंगा भी है बड़ा रकबे है उनके पास दस दस बीस बीस मरबे हैं या सौ सौ मुरबे हैं तो वो तो एफोर्ड कर सकते हैं कि जितना भी पानी की ज़रूरत हो वो ट्यूबवेल चला कर अपनी पूरी करें लेकिन वो किसान जो कि पांच मरले का मालिक है या दस मरले का है या इवन बीस आ, या इवन बीस एकड़ का है सॉरी दस एकड़ का है पंद्रह एकड़ का है या बीस एकड़ का मालिक है वो तो एफोर्ड नहीं कर सकता इतना महंगा पानी जो कि दरियाई पानी से पंद्रह से बीस गुना महंगा है और फिर वो उतना जरखेज भी नहीं है जितना कि दरियाई पानी ज़रखेज़ होता है वो पानी उसको लगाना पड़ता है तो उसकी वजह से पहला जो असर हुआ वो ये हुआ कि हमारी जो झील्ड है पर एकड़ हील्ड वो कम हो रही है और यही वजह है कि पिछले साल भी आपने देखा कि हमें हुकूमत को गंदम खरीदने के बावजूद भी वो जो टारगेट था वो अचीव हम नहीं कर सके और रूस से गंदम मंगवानी पड़ी किस कदर किस कदर दुख किया और किस कदर शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसको अल्लाह ताला ने पंजाब और सिंध जैसा इतना वसी मैदान दिया है जरखेज़ मैदान दिया है दरिया दिए पानी दिए और हम और मौसम दिए हैं हम गंदम दरामद करने पर मजबूर हो गए अभी हम चीनी दरामद कर रहे हैं बहर से कपास दरामद हो रही है ये किस कदर शर्म की बात है किस कदर दुख की बात है और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है पानी की कमी क्योंकि हमारा जो किसान है वो एफोर्ड नहीं कर सकता कि पंद्रह से बीस गुना महंगा पानी जो है ट्यूबवेल का वो लगाए बस जहाँ दो पानियों की जरूरत होती है वहाँ हमारा किसान बहुत मुश्किल एक पानी लगाता है क्योंकि वो एफोर्ड नहीं कर सकता बिजली बहुत महंगी है कैसे वो ट्यूबवेल चलाए कैसे महंगा पानी लगाकर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी पूरी करने के लिए अपनी रोटी अपने बच्चों की रोटी पूरी करने के लिए वो उतना पानी लगाता है कि जिससे यह है कि फसल बच जाए लेकिन होता क्या है कि जितना पानी जरूरत होता है वो पानी नहीं लगता और उसकी वजह से पर एकड़ जो यील्ड है वो वो हमें हासिल नहीं होती जो कि वहाफिर पानी की अवेलेबिलिटी से हासिल हो सकती है तो ये है वो एक बड़ा नुकसान जो पानी की कमी की वजह से हमारी ज़रात को पहुँच रहा है दूसरा नुकसान वो ये है कि चूँकि दरियाई पानी सस्ता होता है ज़्यादा जरखेज़ होता है उसकी बजाय ट्यूबेल का जो पानी है वो बहुत महंगा है और इतना जरखेज़ भी नहीं है इतना फर्टाइल भी नहीं है जब हमारा किसान मजबूर होता है तो उसका लाजमी असर ये पड़ता है कि हमारी हमारे किसान की जो पैदावार जो लागत है वो बढ़ जाती है और पैदावार लागत बढ़ने से उसको वो आमदनी नहीं हो सकती कि जिससे वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके मैं ये बड़े किसानों बड़े हमारे जो जिम्मेदार हैं जो बड़े जागीरदार मैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं उन छोटे किसानों के जो के हमारी जो काश्तकार जो हमारी कम्युनिटी है उसका तकरीबन 80 से 85 फीसद वो काश्तकार हैं जो कि पाँच से दस या पंद्रह या मैक्सिमम बीस एकड़ के मालिक हैं वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसा महंगा पानी और उनकी जो आमदनी है उन बेचारों की जो माशी हालत है वो जो की तू है एक पानी की कमी की वजह से तो ये वो असरात हैं पानी की कमी के जो कि हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर मुतरतब हो रहे हैं दूसरा इसका असर क्या है वही है कि जैसा कि आप जानते हैं हमारे मुल्क की आबादी जो कि उन्नीस में क्या में पाकिस्तान के वक्त ये मौजूदा पाकिस्तान जो कि तब मगरबी पाकिस्तान कहलाता था इस पूरे पाकिस्तान की आबादी साढ़े चार करोड़ थी में पाकिस्तान के वक्त अब वो आबादी बढ़कर तकरीबन तकरीबन तकरीब बाईस करोड़ यानी पांच गुना हो चुकी है और आप देखें कि पांच गुना इस आबादी की रोटी और उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए खुराक की ज़रूरत पूरी करने के लिए जब तक हम मजीद एरिया मजीद रकबा जब तक हम जेर काश्त नहीं लाएंगे जब तक हम अपनी जरात का स्कोप नहीं बढ़ाएंगे तो क्या हम कह कहत की तरफ नहीं बढ़ेंगे अब पानी की कमी की सूरत हाल ये है उसकी वजह से गुजशत 20 साल के दौरान पंजाब और सिंध के जो एरिया है अंडर कल्टिवेशन देर काश जो रकबा है उसमें पांच फीसद भी इजाफा नहीं हुआ जो आज से बीस पच्चीस साल पहले था बिल्कुल वही रकबा जो है वो अगर हुआ भी है तो दो या चार फीसद से ज्यादा नहीं हुआ जबकि उसके अगेंस्ट आबादी जो है आबादी तो पंद्रह बीस फीसद बढ़ गई है तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम जेर काश रकबा नहीं बढ़ाएंगे हमारी हम अपनी बढ़ती हुई आबादी की खुराक की जरूरत कैसे पैदा करें कर, कैसे पूरी करेंगे और यही वजह है कि इसके बावजूद कि अल्लाह ताला ने हमें एरिया भी दिया है और इस वक्त हमारे पास चौलिस्तान में थर में और बलूचिस्तान में तकरीबन तकरीबन दो करोड़ एकड़ रकबा अभी ऐसा पड़ा हुआ है और वो इनतहा इधर खेज रकबा है वो उतना इधर खेज है जितना कि इस वक्त देर काश्त रकबा है पंजाब का है सिंध का है बलूचिस्तान का है इसी मैदान का रकबा है वो वो भी उतनी इधर खेज है जितना कि मुल्तान का है या जितना साहिवाल का है या जितना सिंध का है लेकिन वो रकबा बंजर पड़ा हुआ है किस वजह से कि पानी की कमी है पानी की कमी की वजह से हम जो मौजूदा देर काश्त रकबा है जैसा कि मैंने पहले अर्थ किया हम उसकी कमी ओ ओ, ओ, ओ उसकी ज़रूरियात के लिए भी वो पानी काफी है तो जब उसकी ज़रूरियात के लिए पानी ना काफी है तो मज़ीद जो रकबा है जो बंजर रकबा पड़ा हुआ है जो हमारी आबादी की बढ़ती हुई ज़रूरियात के लिए जिसे देर काश्त रहना ज़रूरी है अगर पानी नहीं होगा तो वर्कमा कैसे देर काश जाएगा तो ये है पानी की कमी का एक नया थी संगीन जो असर हो रहा है हमारी ज़रात पर कि हमारी ज़रात तरक्की नहीं कर पा रही एरिए के हवाले से भी और जो क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर है उसके हवाले से भी यील्ड पर एकड़ फीकस जो पैदावार है उसके हवाले से भी और इस हवाले से भी कि हमारी आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है अगर हम नया रकबा मजीद रकबा चौलिस्तान का थर का और बलूचिस्तान का अगर रकबा जेर काश्त नहीं लेंगे और नहीं ला सकेंगे अगर पानी की सूरत हाल यही रही तो आप यकीन कीजिए कि हमें कहत का सामना होगा बहसीत कौन और हम मोहताज होंगे रोटी के लिए भी अमरीका रूस और दूसरे जो ममालिक हैं उनसे गंदम दरामद रोटी दरामद करने के लिए तो ये हमारी जो हमारी नेशनल हमारी जो कौमी हमारा तखस है और जो हमारी इंटेग्रिटी है और हमारा जो वकार है जब आप रूट के लिए हाथ फैलाएं दूसरे मुल्कों से के सामने जब आप चीनी के लिए दूसरे मुल्कों के सामने हाथ फैलाएं जब आपको टमाटर इंडिया से दरामद करने पड़े तो ये हमारी कौम के लिए हमारे मुल्क की जो इंटेग्रिटी है और शखुत जो है और जो हमारा वक़ार है उसके ऊपर इतने बुरे असरात पड़ सकते हैं और पड़ते हैं तो ये वो हवाले हैं जिनकी वजह से हमारे पानी की कमी से हमारे ज़रात के ऊपर जो असरा पड़ रहे हैं ये उसका असर है फिर एक और पहलू से पानी कमी की कमी का जो जो हमारे माहौलियात के ऊपर जो असर पड़ रहे हैं आप जानते हैं कि आज दुनिया में इनवामेंट को बहुत अहमियत हासिल है और होनी भी चाहिए क्योंकि अगर मालियात जो हैं अगर वो सेहतमंद नहीं होंगी तो वो कौम कभी सेहत के हवाले से भी और मीशत के हवाले से भी कौम तरक्की नहीं कर सकेगी आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि चूंकि हमारे दियाओं में पानी कम हो गया है तीन मशर की दरिया हमने हिंदुस्तान के हवाले कर दिए आप देख रहे हैं कि सतलुज रावी, और ब्यास ये मुकम्मल तौर पर इंडिया के हवाले होने से हमारे माहौलियात पर कितना बुरा असर पड़ पड़ रहा है कि उसकी वजह से इन दरियाओं में रेत उड़ रही है ये दरिया खुश्क हो चुके हैं और हमारा जनूबी पंजाब का जो एरिया है आप जानते हैं कि वहां इन दरियाओं के खुश्क होने से और ट्यूबेलों के चलने से जेर जमीन जो पानी की जो सतह है वो जहाँ पहले पंद्रह से बीस फुट पर पानी मिलता था अब वो साठ से सत्तर फुट पर चला गया है तो ये और नुकसान है बहुत बड़ा नुकसान है माहौलियात का जो कि पानी की कमी की वजह से हमारे हमें जिसका सामना है हम जिसका शिकार हैं फिर सिर्फ ये ही नहीं बल्कि इस पानी की कमी की वजह से हमारी जो सनत है उसके ऊपर भी बहुत बुरे असरत मुतरतब हो रहे हैं वो किस वजह से दो हवालों से आप जानते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है हमारी जो सनत है वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड है ख़ास तौर पर हमारे जनूबी पंजाब में तो जितनी भी इंडस्ट्री है वो सब एग्रीकल्चर बेस्ड है उसका सनत के ऊपर इनसार है तो जब आप आप आपकी जरूरी पैदावार जो जब कम होगी जब आपकी कपास कम पैदा होगी तो उससे आपकी टेक्सटाइल जो है वो उसकी ज़रूरिया पूरी नहीं होंगी और आप जानते हैं कि हमारी जो जो हमारे बरामदात हैं उनमें टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बहुत बड़ा हिस्सा है टेक्सटाइल का तकरीबन साठ फीसद हमारी जो बरामदात उसमें वो टेक्सटाइल से हमें आमदनी हासिल होती है और आप जानते हैं कि इस साल कपास की फसल बहुत कम होने से हमारी जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो बहुत बुरी तरीके तरीके से सफ़र कर रही है और हुकूमत ने अभी पिछले दिनों ऐलान किया था मजबूर हो गई थी कि हम इंडिया से एक दुश्मन मुल्क से हम कपास दरामद करेंगे अगरचे यानी जो हमारे दूसरे कश्मीर के मसले की वजह से हमने वो कर दिया वो, वो कैंसिल कर दिया वो प्रोग्राम लेकिन हमें अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाने के लिए लाभनी बात है कि कपास कि किसी और मुल्क से और मुल्कों से हमें दरामद करनी पड़ेगी और जब हम वो दरामद करेंगे तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर उसके बहुत बुरे असरा उसकी प्रोडक्शन कास्ट जो है वो बढ़ जाएगी और हमारी जो सनतकार है वो कभी भी वर्ल्ड मार्केट में मुकाबला नहीं कर सकेगा हमारी टेक्सटाइल की बरामदाद के ऊपर उसका बहुत बुरा असर होगा सिर्फ इन सवाल से नहीं बल्कि चूंकि हमें पानी की कमी का हम शिकार हैं और हाइड्रल पावर जो पानी वो बिजली जो पानी से पैदा होती है और जो कि सस्तरीन बिजली है वो बिजली भी हम पैदा नहीं कर पा रहे आप जानते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम जो बिजली की खपत है जो हमारी डिमांड है वो 22 से तेईस हज़ार मेगावाट की है जबकि पानी की कमी की वजह से हमारी जो हाइड्रल पावर की पोटेंशियल जो है मांगला तरबेला और आदि ब्रोथा में इन तीन हाइड्रल पावर जो हमारे जनरेटिंग यूनिट्स हैं उनमें टोटल मिलाकर साढ़े छः हज़ार मेगावाट की जो कि सस्ती तरीन बिजली है लेकिन पानी कम होने की वजह से हमने डैम नहीं बनाए बहुत बड़ा जुर्म किया हमने पानी को जय किया समुद्र में फेंका डैम नहीं बनाए और डैम ना बनाने से जहां एक तरफ पानी की कमी हुई वहां दूसरी तरफ डैम ना बनाने से हमने सस्ती तरीन बिजली पैदा करने का अपना जो सोच है वो जय किया उससे फायदा नहीं उठाया और उसकी बजाय हमारी जो है तेईस हजार में तकरीबन सत्रह हजार मेगावाट जो है वो हम उन द्राए से बिजली पैदा कर रहे हैं जिसमें गैस है ऑयल है कोयला है जो कि बहुत महंगी है बहुत महंगी है और वो बिजली ज़्यादा महंगी होने की वजह से हमारी जो सनत है हमारा जो सनत कार है उसकी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो बढ़ गई है और उसकी वजह से वो वर्ल्ड मार्केट में मुकाबला करने की सकत नहीं रखता तो अगर हम सस्ती तरीन बिजली नहीं पैदा करेंगे और अपने सनत कार को हम सस्ती तरीन बिजली नहीं देंगे और उसकी जो पैदावार जो लगा आ, लागत है उसे कम नहीं करेंगे तो हमारी सनत कैसे तरक्की करेगी और जब जब सनत नहीं तरक्की करेगी और सिर्फ टेक्सटाइल की बात नहीं कर रहा बल्कि पूरी सनत आप जानते हैं कि पूरी जो इंडस्ट्री है वो बिजली के ऊपर चलती है और बिजली अगर महंगी होगी तो हमारी हर किस्म की सनती पैदावार चाहे वो टेक्सटाइल की हो चाहे वो चीनी की हो चाहे वो खाद हो चाहे वो मशीनरी हो चाहे वो केमिकल हो कुछ भी हो जो भी इंडस्ट्री के लिए बिजली महंगी होगी लाजमी बात है हमारी उस सनत सनद्थ की सनती पैदावार भी महंगी होगी और हम वर्ल्ड मार्केट में हमारा सनतकार उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा और उसकी वजह से हमारी जो कौमी जो मीषत है ओवरऑल जरि मीशत के अलावा जो दूसरी मीशत है उसके ऊपर भी इंतहाई बुरे असरात मुतरतब होंगे तो नाजरीन अब आज की इस टॉक में मैंने पानी की कमी के हवाले से तीन पहलुओं पर गुफग की कि उनके कितने असरा हो रहे हैं हमारी ज़रात पर हमारी जरिए जो तरक्की है उस पर कितने मनफी असरात हो रहे हैं हमारी मालौलिया है, पर कितने बुरे असर गिर असरा मतरतब हो रहे हैं।, असरात, असरात तो हैं और हमारी जो सनत है सनती जो मीशत है उसके ऊपर कितने असरात मतरतब हो रहे हैं अब इसके बाद मैं इन जो इसका पार्ट टू है उसमें मैं दूसरे हवालों से जो आ, हम, आ, इसके खतरा हैं मैं उस तो पर गुफ्तू करूँगा मक्स स्पेशल प्रोग्राम से स्पेशमताज अहमद को इजाजत दीजिए असल दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बामा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल वॉश गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग एस एम फूड्स Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.